Welcome to another very important topic of organic chemistry, that is the nomenclature of organic compounds. This is a topic which we cover in a series of lectures. So let's have a look on the first lecture of nomenclature lecture series. Now look an other important type of organic compound, that is the alkenes. जब हमने alkenes की बात की तो हम उसमें saturated hydrocarbons की बात कर रहे थे. वहाँ पर हमें सारे जो bonds देखने में मिल रहे थे they all are single bonds, लेकिन alkenes are the type of hydrocarbons जिसमें हमारे पास carbon carbon double bond molecule के अंदर मौजूद होता है. वो carbon carbon double bond एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. कोई से भी दो carbons के दरमियान अगर एक भी double bond molecule के अंदर मौजूद है तो वो कंपाउंड जो होगा दैट कम्स अंडर अल्कीन्स. ठीक है, तो जब हम इनकी नॉमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे बड़ा चेंज जो नाम लिखते हुए हमें देखने में मिलेगा वो ये होगा कि अल्कीन्स का जो ए एन ई होगा उसको हम ई एन ई से रिप्लेस कर देंगे. फॉर एग्जांपल हम अगर बात करेंगे ईथेन की तो इन केस ऑफ अल्कीन्स दैट विल बी ईथीन. ठीक है, ईथीन. तो ये कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो हमें नॉर्मली देखने में मिलते हैं और ये इनके कुछ कॉमन नेम हम कह सकते हैं. जिस तरह ये हमारे पास इथाइलीन है तो इथाइलीन के केस में इसको हम विनाइल जो है इसका कॉमन नेम है जो कि ज़्यादा पॉपुलर है और हमें इस नाम से भी देखने में ये मिलता है. इसके अलावा ये हमारे पास एक कंपाउंड है विच इज़ हैविंग अ डबल बॉन्ड इन इट, और अगर ये सारे सिंगल बॉन्ड होते तो हमारे पास ये क्या था, एन प्रोपाइल था. लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर एक कार्बन जो है जिसको हम कार्बन नंबर 1 कंसीडर करेंगे, इस कार्बन के साथ क्या है, एक डबल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी मेंशन करेंगे और फिर प्रोप ईन लिखेंगे, प्रोप ईन. ठीक है, ई एन ई, और इसको प्रोपेलीन भी कहते हैं इसका जो कॉमन नेम है. फिर इसके बाद ये हमारे पास एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर ये हमारे पास इस तरह से होता तो हम इसको आइसोबिटाइल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब डबल बॉन्ड देखने में मिल रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसोब्यूटाइलीन, ये इसका कॉमन नेम है. और इसका जो आयोपिक नेम है दैट इज वन, क्योंकि वन नंबर पर क्या है, डबल बॉन्ड है. वी हैव टू मेंशन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड आल्सो, और इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड के केस में भी हम नंबरिंग से इन बॉन्ड्स की पोजीशन को मेंशन करेंगे, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जरूरी नहीं है कि हमेशा आखिरी कार्बन के साथ हो, ये चेन के अंदर किसी भी कार्बन के साथ हो सकता है. ठीक है, तो ऑलवेज इट इज नेसेसरी कि जब हम अल्कीन्स और अल्काइन्स की नोमेनक्लेचर कर रहे हों तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हमने कार्बन नंबर रिप्रेजेंट करके उस कार्बन की पोजीशन को मेंशन करना जरूरी है. टू मिथाइल लिखेंगे, पहले पोजीशन इसकी रिप्रेजेंट करेंगे, ये गलत नाम लिखा गया है, टू मिथाइल, और यहाँ पर वन कार्बन, और ये टू और ये थ्री, वन कार्बन के ऊपर क्या है, सबसे डबल बॉन्ड है, तो हम क्या लिखेंगे, वन मिथाइल परो, टू मिथाइल वन परो पीन. ठीक है, इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स ये हैं. अब ये देखें तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है हमारे पास, इट इज़ हैविंग अ फोर कार्बन. अगर हम लॉन्ग चेन कंसीडर करें तो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, तो हम स्ट्रेट चेन को जो है वो पेरेंट चेन कंसीडर कर लेंगे. और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन देखें तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है उसको लीस्ट नंबर मिले. तो यहाँ पर देखें तो सब्स्टिट्यूशन जो है हमारे पास वन टू थ्री फोर सेकेंड नंबर पर आ रही है, सेकेंड नंबर पर ही हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो हम इस तरह से इसको नाम देंगे टू मिथाइल. ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, टू नंबर पर ही हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर हमने टू लगा के उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर दिया, वी आर हैविंग फोर कार्बन ब्यूट ईन. ठीक है, ईन आ जाएगा एंड पे. अब ये देखें, वी आर हैविंग वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, सिक्स कार्बन चेन, कार्बन नंबर्स इन दिस चेन. अगर हम एक चेन, हमारे पास एक ऑप्शन ये भी बनती है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसको दोबारा से काउंट करते हैं. ये देखिए हमारे पास इसमें जो है वो दो ऑप्शंस हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. तो यहाँ पर इस चेन में हमारे पास सेवन नंबर कार्बन्स आ रहे हैं, तो दिस विल कंसिडर एज अ पेरेंट चेन बिकॉज दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन. और जो लॉन्गेस्ट चेन होती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स आ रहे हों वो हमारी पेरेंट चेन होती है. ठीक है,
तो हम इसको इस तरह से नंबरिंग देंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी हमारी पेरेंट चेन होगी, अब हमने आना है सब्स्टिट्यूशंस की तरफ। तो नंबर 4 पर हमारे पास दो सब्स्टिट्यूशंस हैं, वी आर हैविंग मिथाइल एंड इथाइल, और हम नंबर 2 पे भी हमारे पास मिथाइल है। तो इथाइल क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 इथाइल, इसको कैपिटल लिखना होता है, 4 इथाइल, फिर उसके बाद हाइफन 3, 4 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 1 हेप्टीन, ठीक है। सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ द अल्कीन्स फ्रॉम द स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स। जब हम इसके जो है साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में देखेंगे, तो साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में भी हमें इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल देखने में मिलती हैं। ये हमारे पास सिंपल साइक्लोहेक्सेन है। अब यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं और इस कार्बन के ऊपर जो है वो क्या कर देते हैं, डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेंशन करेंगे 1 मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइक्लो हेक्सीन, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पर हमारे पास C2H5 एक इथाइल लग जाता है, और हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, ये पोजीशन हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन में भी अगर ये हमारे पास जो होता है सारा सैचुरेटेड कंपाउंड होता, तो यहाँ पर हमने हेक्सेन लगाना था, यहाँ पर भी हमें इस नेम को ENE से रिप्लेस कर दिया। जब हम अल्काइंस को देखते हैं, तो अल्काइंस में ENE जो होता है YNE से रिप्लेस होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें, ये वी आर हैविंग एग्जाम्पल। इसी तरह हम लॉन्गेस्ट चेन को जो होगा वो पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे। सब्स्टिट्यूशंस और बॉन्ड्स में जो टाई आएगा, तो जहाँ पर हमारे पास बॉन्ड करीब तरीन होगा, उस कार्बन को हम जो है वो नियरेस्ट बॉन्ड, आप कह लो कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम जो है वो नियरेस्ट कार्बन का नंबर देंगे 3, 4 एंड 5। सो वी आर हैविंग 4 मिथाइल, और हमारे पास क्या आ रहा है, 1 pent YNE pentyne, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब इसको देखें अगले मॉलिक्यूल के, अगले मॉलिक्यूल में हमारे पास सब्स्टिट्यूशंस भी हैं और हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड भी है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो दोनों तरफ से हमारे पास जो है वो कार्बन, जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन है उनको कार्बन नंबर 3 आ रहा है। अब यहाँ पर इस तरफ हमारे पास सब्स्टिट्यूशंस ज़्यादा हैं, तो हम यहाँ से जो है वो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पर हमारे पास देखें, नंबर 2 पे 2 मिथाइल हैं और 5th पे 1 मिथाइल है, तो हम क्या करेंगे, 2, 2, 5 ट्राई मिथाइल, ठीक है, ट्राई मिथाइल 3 हेक्स आइन, ठीक है। अब ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो वहाँ पर आपको डबल बॉन्ड भी देखने में मिले, तो जहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल के अंदर आपको ट्रिपल और डबल बॉन्ड दोनों इकट्ठे देखने में मिले, तो आपने क्या करना है, आपने डबल बॉन्ड जो होगा उसको प्रेफरेंस देनी है एज कम्पेयर टू द ट्रिपल बॉन्ड। मतलब आपने नेमिंग करते हुए क्या करना है, पहला नंबर इस कार्बन को देना है जहाँ से हमारे पास डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 pentene, ठीक है, इसको हम प्रेफरेंस देंगे, पूरा नाम जो कंपाउंड का होगा इसके साथ लिखेंगे, और 5 की यहां पर हम 5 डाल के सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड की आयन लिख के पोजीशन को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप कह लें कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि जब आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मॉलिक्यूल के अंदर आ रहे हो, तो आपने प्रेफरेंस देनी है नंबरिंग देते हुए भी डबल बॉन्ड को, और जब आपने नाम लिखना है तो कंप्लीट चेन का नाम डबल बॉन्ड के नाम, डबल बॉन्ड के साथ आएगा, ठीक है। यहाँ से इस तरह नहीं कि 1, 5 pentyne, इस तरह से आप नहीं लिख सकते, आप लिखेंगे 1 pentene और 5 लिख के आप सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड की मतलब ट्रिपल बॉन्ड नंबर लिख के कार्बन का जहां पे ट्रिपल बॉन्ड लाई कर रही है, सॉरी ये 4 पे आएगा, 4
आयन, यहाँ पे फोर कार्बन के साथ है तो हमने लीस्ट नंबर देना होता है ना। अब आगे देखें तो हमारे पास डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर देखें तो ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को नियरेस्ट या लीस्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन और दूर चली जाती है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा हम एज दे सकते हैं इसको दें, बिकॉज डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, तो हम इस डबल बॉन्ड को अगर पहले ले आते हैं तो या इसको पहला नंबर दे सकते हैं या इसको पहला नंबर दे सकते हैं, लेकिन इसको देने से फ़ायदा ये होगा कि ये वाला कार्बन जो है, ये हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको भी लीस्ट नंबर मिल जाएगा। तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब देखें अब इसका क्या होगा, पहले हम सब्स्टिट्यूशन को बताएंगे। 5 मीथाइल, 1, 6 पोजिशन ऑफ अ डबल बॉन्ड्स, 1, 6, फिर उसके बाद कितने कार्बन्स हैं, हैप और डबल बॉन्ड को हम बेस बना रहे हैं, ईन, और फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की पोजिशन, 3 आयन, ठीक है। तो आई होप सो कि ये एग्ज़ाम्पल्स जो हैं इन्होंने आपके रूल्स जो हैं उनको भी मेमोराइज करने में आपकी हेल्प की होगी, और इन एग्ज़ाम्पल्स को सॉल्व करके आप लोग किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेटेड एग्ज़ाम्पल जो कि नॉमेनक्लेचर के हवाले से आएगी, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स में, उनको सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन दिस लेक्चर यू स्टडी अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स, एंड यू go through all the basic concepts and rules which you have to follow while writing the name of these kind of organic compounds. We will meet soon in the next lecture. Till then, stay happy, keep learning, and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon and like and share my videos if you are getting from them, and comment section mein apna feedback zarur dete rahe.